ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡੋਂਟ ਅਗੇਨ ਐਨੀ ਨਾਰ तो वही कैसे हो सारे। तो आप सबने तो सुन ही लिया होगा, बिगड़िया हीरा ट्रैक फाइनली ड्रॉप हो चुका है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो अपन एक प्रॉपर रिव्यू तो करेंगे ही करेंगे, उससे पहले मेन बातचीत कर लेते हैं। देखो भाई, आज कोई नॉर्मल डे नहीं है, हनी बाजी के जो कल्ट फैन बेस है ना उसके लिए तो बहुत बड़ा स्पेशल डे है। बेसिकली भाई फेस्टिवल है, हनी बाजी का है बर्थडे बैश। तो भाई विश करने से पहले ना हनी बाजी को बहुत बड़ा थैंक यू कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये फर्स्ट लव है भाई म्यूजिक सीन में मेरा, और इसके अलावा तो मैं कभी भी किसी का फैन बन नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ हनी बाजी से, बचपन से सुना है भाई। इस बंदे ने जो करा है हिप हॉप म्यूजिक सीन को आगे लेके गया है भाई, अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। किसी को मिर्ची लगे या कुछ लगे, लेकिन यही फैक्ट है, बंदा इतनी बड़ी डिजीज से लड़के आया सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए। भाई पूरा वेट लॉस कर लिया सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए, भाई जिंदगी भर रिस्पेक्ट रहेगी। तो हनी पाजी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। जितने भी भाई लोग हैं ना भाई, स्पैम कर दो हैप्पी बर्थडे लेजेंड। ठीक है, क्रेडिट्स पे नज़र डालते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप सबको पता है, म्यूजिक प्रोड्यूस बाय वन एंड ओनली लेजेंडरी आर्टिस्ट द ओजी योयो हनी सिंह। भाई ये एक इमोशनल मोमेंट होता है हर हनी सिंह फैंस के लिए, क्योंकि ट्रैक के लिरिक्स कैसे भी हों, अगर हनी सिंह ने म्यूजिक दे दिया वो ट्रैक बूम होगा ही होगा, क्योंकि हनी पाजी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उनसे तोड़ू बीट्स कोई बना ही नहीं पाया आज तक, और ये इतिहास गवाह है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी। भाई आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल है, 10 साल पहले की कहानी है और ये सीक्वल है लव डोज का। 10 साल पहले क्या होता है, हनी पाजी को उर्वशी पसंद आ जाती है, वो इंप्रेस करने में लग जाते हैं, शॉपिंग मार्केट के सामने अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, हनी पाजी डांस करके उसको इंप्रेस करते हैं, वो सेट भी हो जाती है, फिर लास्ट में वो उसके पीछे चले जाते हैं उसके बैग लेके। अब 10 साल के बाद ये स्टोरी कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई इसको सीक्वल कहा जा रहा है। ट्रैक एक्सपेक्ट मत करना कि लव डोज के जैसा सिमिलर होगा, नहीं, ट्रैक अलग ही होगा, बस स्टोरी कंटिन्यू है तभी इसको सीक्वल कहा जा रहा है। तो 10 साल में जो है क्या हुआ था, हनी पाजी का ब्रेकअप हो गया था, तो फिर जो उर्वशी है मतलब हनी पाजी के एक्स, वो एक शुगर डैडी को डेट करने लगी थी। आजकल ट्रेंड में है लड़कियों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एक रिच मैन को डेट करने लगती हैं, बेसिकली शुगर डैडी को, भले ही भाई उसकी एज कितनी भी हो उनको पैसों से मतलब होता है। तो वही स्टोरी है, तो हनी पाजी फिर से शॉपिंग मार्केट के सामने होते हैं, दोस्त उनके देख लेते हैं और वो कहते हैं भाई ये तो आपकी एक्स है, पर ये ओल्ड मॉडल के साथ क्या कर रही है। हनी पाजी फिर पीछे लग जाते हैं, हनी पाजी दोबारा से उसको लव डोज देते हैं और भाई अपने डांस मूव से उसको सेट कर लेते हैं। बट इस ट्रैक में सस्पेंस छोड़ दिया है हनी पाजी ने, भाई आगे क्या होगा। 2 वीक कंटिन्यूड आ चुका है, बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि अपन को 1.5 साल में ही अब देखने को मिलेगा, इसका थर्ड पार्ट। दैट्स इट, इतनी सी स्टोरी थी। अब देखो हनी पाजी की जो मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस है 70-75% भाई वो हिंदी लिसनर्स है, एंड वो नहीं जानते पंजाबी, उनको जो है हिंदी ही समझ आती है। सो डोंट वरी, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ हनी पाजी क्या कहना चाहते हैं ट्रैक में। फर्स्ट हुक के फर्स्ट लाइन में हनी पाजी कहते हैं, जैसे कि भाई ट्रैक का नाम भी है बिगड़िया हीरा, कि जो बिगड़ी लड़कियां होती हैं ना भाई, वो बस पैसों के पीछे भागती हैं और भाई वो किसी के भी हाथ नहीं आती हैं, उनको पैसे उड़ाने से मतलब होता है। जो दिल टूटे आशिक होते हैं भाई, जिनका ब्रेकअप हो जाता है, वो दारू पी के अपना जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अपना जो स्ट्रेस है, दर्द है, उसको दूर करते हैं और अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाते हैं ताकि भाई इन सब चीज़ों से निकल सके। मेरी बंदी को गुच्ची के ब्रांड दे दो क्योंकि शॉपिंग की शौकीन है, और पैसों को तो भाई शैंपेन के जैसा उड़ाती है। अब देखो भाई, शुरुआती में ना ट्रैक आधा हो जाता है और उसमें हनी पाजी ताने मारते हैं, एक तरीके से एक्सपोज करते हैं अपने एक्स को ताने मार के कि भाई इसकी हरकतें कैसी हैं, और फिर भाई लास्ट में हनी पाजी उसकी तारीफ करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। तो जैसे कि वो बताते हैं कि ये शुगर डैडी पालती है जो रिच होते हैं ओल्ड मॉडल्स, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ती है तो ये स्विच भी होती जाती हैं और भी लोगों के पास, और जितनी सुंदर भाई बंदी होती है उतना सुंदर वो गोल्ड के सेट मांगती है, मतलब कि हार वगैरह मांगती है और लड़कों को करती है डिच। इधर से हनी पाजी तारीफ करना चालू करते हैं, भाई तेरी आंखें इतनी अच्छी हैं कि उसमें लाखों लड़के डूब गए और उन लाखों लड़कों में से
से एक मैं भी था। ओके, इधर पे होता है भाई फर्स्ट वर्स का एंड, और अगेन अपन को हुक पार्ट सुनने को मिलता है, देन अपन को सुनने को मिलता है रैप वर्स भाई साहब, जो कि बहुत बुंड फाड़ है। अगेन हनी बाजी भाई तारीफों के पुल बांध रहे हैं रैप वर्स में भी, वो बताते हैं कि भाई ये कितनी फैशनेबल है, फैंसी है, और इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शॉपिंग की, अच्छे अच्छे आउटफिट्स की, तो भाई मैं दुनिया से चुरा के, भाई मैं तिजोरी से निकाल के तेरे को शॉपिंग कराता था उस टाइम पे। जो कन्ना विच वालियां होती हैं, कान की वालियां, वो कैसे तेरे प्यार की अट्रैक्शन है, और जो बंदा एक टाइम पे भाई उंगलियों पे नचाता था पूरी दुनिया को, उसको तूने अपने प्यार में बर्बाद करके रख दिया। इधर पे अपने हनी पाजी जो है खुद की फीलिंग्स बताते हैं कि भाई मैं अब पछता रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, दिल करता है मर जाऊँ या फिर तेरे पीछे आ जाऊँ। और इसके वास्ते भाई सेकंड वर्स भी एंड होता है, अगेन अपन को हुक सुनने को मिलता है, और फिर शुरुआत होती है थर्ड वर्स की। इधर पे यानी पाजी थोड़ी इमोशनल वाली बातचीत कर देते हैं, वो कहते हैं मेरा इश्क बिल्कुल तमीज में है, और भाई मेरे पास ना तेरी कुछ चीजें हैं, कैसे बताऊं मैं तुझे अपनी तकलीफ है कि मैं भाई अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। कैसी बातें कर रहे हो पाजी, लड़कियां आपके पास 30 आएंगी और 36 जाएंगी, लेकिन आपकी जो फैंस हैं, आपके जो बच्चे हैं, इतने सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके साथ मरते दम तक रहेंगे। लड़कियों का चक्कर छोड़ो हनी पाजी। कहते हैं हनी पाजी कि भाई मेरे जो सारे के सारे ख्वाब है ना वो टूट चुके हैं, और अपने ब्रेकअप को लगभग 3 साल हो चुके हैं। हनी बाजी कहते हैं कि दिल करता है जहर पी के मर जाऊं, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतना जिगरा नहीं है। भाई कोई याद दिलाओ इस बंदे को, ये एक टाइम पे 500 लड़कियों के बीच में खुद अकेला भाई म्यूजिक वीडियो शूट करता था, और अब ऐसे दिन आ चुके हैं। भाई प्यार कितनी हरामी चीज होती है, एक लड़की के चक्कर में बंदा क्या करने की सोचता है। भाई अपने फैंस की तो सोच लो, वो आपके लिए मरते हैं, आप एक लड़की पे मर रहे हो जो शुगर डैडी पे मर रही है, मतलब सभी लोग एक दूसरे पे मर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे होता है एंड ट्रैक का, और अपन को फिर से जो है भाई हुक पार्ट सुनने को मिलता है। अब तुम सबने भाई अभी पिछले कुछ टाइम से हनी पाजी के जितने भी ट्रैक्स आ रहे हैं, एक चीज नोटिस जरूर करी होगी, हनी पाजी भाई अपने एक्स के पीछे जरूर से पड़े हैं और उसको वापस से सेट कर लेते हैं। हनी पाजी क्या सीख दे रहे हैं अपने फैंस के लिए कि भाई एक्स को वापस से पटा लो, सेट कर लो। पाजी जरूरी थोड़ी है कि आपकी ही एक्स जैसी सबकी एक्स हो, मेरी वाली तो बहुत भड़वी निकली थी, उसको मैं कैसे सेट करूं। एनीवेज ये तो हो गई भाई स्टोरी के बारे में बातचीत, और जो लिरिक्स हैं वो भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। काफ़ी भाई लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई समझ नहीं आया, आप समझा दो, दैट्स वाई मैं करता हूँ, इसी वजह से वीडियो की ड्यूरेशन भी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ी मेन बातचीत पे, है ना, रिव्यू करते हैं ट्रैक कैसा है, ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताता हूँ। इसके अलावा आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ, क्यों इसको सीक्वल बोल रहे हैं लव डोज का। भाई इसमें हनी पाजी ने काफ़ी ईस्टर एग्स दिए हैं भाई, जैसे कि ये आइकॉनिक शॉट देखो जो लव डोज में भी था और इसमें भी है चश्मे वाला, और हाँ दूसरा जो है हनी पाजी का डांस मूव्स देखो भाई, लव डोज में भी सिमिलर है और इसमें भी सिमिलर है। तो हनी पाजी ने जो है ऐसे कुछ ईस्टर एग्स दिए हैं, और इसके अलावा भाई स्टोरी आगे से कंटिन्यू है, दैट्स वाई इसको सीक्वल कहा जा रहा है। आप लोग ये दिमाग मत लगाना कि भाई लव डोज की जैसी तो वाइब नहीं है, इसको लव डोज 2.0 कैसे कह सकते हैं। भाई हनी पाजी रिपीट नहीं करते हैं कभी भी गाने, एक से नहीं बनाते, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमेशा अलग देते हैं अपने फैंस को। तो ये एकदम अलग जोन में है, एकदम मेलोडिक है, लव एंड डांस है, एकदम ग्रूवी बीट्स हैं, तो एकदम अलग ही है। और वो उसका भी अलग ही तोड़ था, वो हल्की सी पंजाबी और हिंदी में था, ये एकदम पंजाबी में है। बातचीत म्यूजिक प्रोडक्शन की कर लेते हैं, मेरा फेवरेट पार्ट जो कि भाई हनी पाजी ने बीट प्रोड्यूस करी है। और देखो लिटरली एक बात बता रहा हूँ, जब बात आती है ना हनी सिंह की म्यूजिक प्रोडक्शन की, हिप हॉप बीट्स प्रोड्यूस करने की, तो भाई लिटरली पूरे एशिया में हनी सिंह जैसा बीट प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा, है ना भाई। उनका जो विजन है ना भाई, कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर आसपास भी नहीं आ सकता है बीट करने की, तो बात ही अलग है। मतलब वो जो एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो सैंपल्स यूज करते हैं भाई, उनका अलग ही तोड़ होता है। मतलब तुम ये स्क्रैच वाला जो सैंपल यूज करा है ना हनी पाजी ने, ये चेक करो, एकदम आपको भाई डांस स्टेप के साथ में क्या ही ब्लेंड करा है।
इसके बाद से भाई जब उर्वशी की बारी आती है ना भाई लास्ट में, जो वो डांस करती हैं भाई, उस शॉट में हनी पाजी ने जो एलिमेंट्स यूज करे हैं, जो सैंपल यूज करे हैं भाई, क्या ही ग्रूवी थे, कितना तोड़ू म्यूजिक लग रहा था भाई, क्या ही बीट प्रोड्यूस करी है हनी पाजी ने। मतलब नो मैटर भाई इस ट्रैक को छोड़ के हाउ वॉज दी लिरिक्स है ना भाई, मैटर ही नहीं करता। अगर हनी पाजी की बीट प्रोडक्शन है भाई, वो ट्रैक अपने आप बूम होगा, क्योंकि वो इतनी ग्रूवी बीट्स बनाते हैं, इतनी तोड़ू बीट्स बनाते हैं भाई, लोगों के पैर अपने आप ही हिलने लगते हैं भाई, डांस करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये लेवल है भाई हनी सिंह की म्यूज़िक प्रोडक्शन का, बाद में वो रैपर बने। इसके बाद से आ जाते हैं भाई लिरिकली कैसा है ट्रैक, तो अगेन रॉनी एंड गिल ने लिखा है, कंपोजिशन भी उन्हीं की है भाई, कंपोजिशन की तो बात ही अलग है, एक नंबर की कंपोजिशन है, मतलब बहुत ही प्यारी है, और हनी पाजी ने जिस हिसाब से डिलीवर करा है बिल्कुल वर्थ इट था, है ना। लिरिक्स जो है ना बहुत ही प्यारे हैं, और बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाली बातचीत भी हनी पाजी ने करी है कहीं कहीं पे। अच्छे लिरिक्स हैं भाई, पंजाबी में है, लेकिन हनी पाजी से एक शिकायत है भाई, कब तक हनी पाजी जो है भाई एकदम ठेठ पंजाबी में लिरिक्स देते रहेंगे। हनी पाजी सिंगर नहीं है, हनी पाजी की जो आइडेंटिटी है ना इंडियन हिप हॉप म्यूजिक सीन में, वो एज अ रैपर है, बट आजकल वो सिंगर बन के रह गए हैं। अब पता नहीं भाई पाजी की मैनेजमेंट कैसी है भाई, वो ऑब्जर्व ही नहीं करते, और हनी पाजी को कुछ बताते नहीं है फैंस की डिमांड क्या है। फैंस चाहते हैं कलेक्टिवली लिखें, हनी पाजी बस ये मत करो कि भाई रॉनी एंड गिल लिख रहे हैं, आप भी अपना योगदान दो, एडिशनली लिरिक्स लिखो। अगर रॉनी एंड गिल वर्स लिख रहे हैं तो आप अपना रैप वर्स लिखो, हिंदी में लिखो, क्योंकि आपकी जो कल्ट फैन बेस है वो बहुत अच्छे से जानती है कि हनी सिंह जब हिंदी और उर्दू का ब्लेंड करके रैप लिखता है ना भाई, कमर्शियली ना कोई नहीं लिख सकता है, उस पे तो हनी पाजी टॉप पे बैठे हैं, बट हनी पाजी पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं। पाजी आप लिखो जैसे पहले करते थे, लिल गोलू और आप लिखते थे ना, लियो ग्रेवाल और आप लिखते थे, अल्फाज पाजी और आप लिखते थे, वैसा ही सीन फिर से चालू कर दो पाजी। अब इसमें आपने रैप तो दिया है, बट इतना छोटा रैप दिया है जो कि मतलब सबको लग रहा है कि लंबा रैप होना चाहिए था। कल आस्टार में भी आपसे यही कहा था पाजी, रैप ही नहीं था, तो रैप आप क्यों नहीं करते हो, आप सिंगर नहीं हो, आप रैपर हो। तो ये तो एक शिकायत थी फैंस की, बाकी लिरिक्स अच्छे हैं। इसके बाद से बातचीत कर लेते हैं भाई म्यूज़िक वीडियो के बारे में। भाई देखो ये हनी पाजी की पर्सनल टीम है ना, जो कि भाई कन्ना विच वालिया में भी थी, सेम काम इन लोगों ने ही करा था, और मिहिर गुलाटी ने डायरेक्ट करा है। लेकिन बातचीत करेंगे डीओपी के बारे में, अभिमन्यु सेन गुप्ता भाई ने क्या ही प्यारे प्यारे शॉट्स लिए हैं भाई, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, कलर ग्रेडिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी और जो स्मूथनेस दिख रही है भाई म्यूजिक वीडियो में, बहुत प्यारी लग रही है। मतलब हनी पाजी का फेस देखो तुम भाई, बंदा कहीं से लग रहा है ये 41 इयर्स का हो चुका है आज के दिन भाई, 30-32 साल का लौंडा लग रहा है जो हनी पाजी 8-9 साल पहले थे, समझ रहे हो भाई। बंदे ने मेहनत करी है नो डाउट, सबको पता है, 3-4 साल से लगातार कर रहे हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन हल्का सा जो काम है ना भाई वो कलर ग्रेडिंग का भी है, कितनी प्यारी करी है, सिमिलर एकदम कन्ना विच वालियां जैसा है। और सो बिग शाउट आउट टू जैमिद भाई, भाई क्या ही मिक्सर मास्टर करा है, वोकल्स के टेक्सचर्स वगैरह एक नंबर निकल के आ रहे हैं। और बातचीत करें अगर हनी पाजी के आउटफिट की, भाई क्या ही कहने, एकदम स्लिम लग रहे हैं पाजी, इतने प्यारे आउटफिट, एकदम क्लासी लग रहे हैं, है ना, कोई फंकी लुक नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल एंड क्लासी, एक नंबर लग रहे हैं। अब बातचीत कर लेते हैं मॉडल जिस पे हनी पाजी ने तगड़ा खर्चा करा है, भाई उर्वशी। ये 10 साल पहले तो लड़की थी, अब मॉमी की कैटेगरी में आ चुकी है। मतलब भाई लिटरली जितने भी लोग इस म्यूजिक वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो एक ही चीज़ देख रहे होंगे, उर्वशी के पॉम्प। मतलब अच्छी लग रही है भाई उर्वशी रौतेला, और डांस भी प्यारा कर रहा है। और डांस से याद आया भाई, हनी सिंह का डांस कैसे भूल सकते हो, एमजी एंड फंक जॉनर का डांस करा है अपने हनी पाजी ने, 41 इयर्स का हो गया है भाई, ये आर्टिस्ट एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है। मतलब भाई इस उम्र में भी बंदा डांस कर रहा है भाई, 28-30 साल का लग रहा है भाई, मतलब क्या ही सीन है। अभी तो ये शुरुआत है, क्लासी मुंडा का वेट करो, हनी पाजी क्या क्या करने वाले हैं। जो 6 साल बीमार रहे हैं ना, तो बहुत कुछ हनी पाजी नहीं कर पाए, और वो अब करेंगे, तुम बस वेट करते जाओ। आजकल जो आर्टिस्ट बैठे हैं ना भाई, जो पेड व्यूज ले लेके खुद को नंबर वन बता रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि उनके फैंस इनके फैन बन जाएं, भाई वो सीन हनी सिंह का नहीं है। हनी सिंह ने खुद की फैन बेस बनाई है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और कल्ट फैन बेस है। अभी तो भाई सिर्फ 2 घंटे में नंबर वन ट्रेंडिंग पे आ गया ट्रैक, और इनके जो ट्रैक्स थे भाई वो नीचे चले गए। तो कुल मिला के ट्रैक भाई एक नंबर है, बहुत तोड़ू है और लंबा जाने वाला है भाई, है ना। मैं इसको 100 out of 100 भी दे दूंगा, उससे ज़्यादा भी दे दूंगा, मुझे बहुत प्यार लगा, कोई कमी निकालने की भाई बात ही नहीं है। अब बातचीत कर लेते हैं भाई, हनी पाजी का बर्थडे है तो हम सब ने भाई डोनेशन इकट्ठा करा था, सभी फैंस ने भाई डोनेट करा,
किया था हनीपा जी के बर्थडे के लिए। तो ये सामने आपको वीडियो दिख रही है और सामने प्रूफ भी दिख रहा है। इजी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम सभी ने पैसे पे कर दिए थे, टोटल इतने हुए थे। और भाई ये सब वीडियोज़ वगैरह आई हैं, भंडारा वगैरह उन्होंने करवाया था, केक कट करवाया था, हनीपा जी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करा था, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो वगैरह आपको चाहिए है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे अपलोड है भाई। शेयर करके हनीपा जी को विश कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हनीपा जी के फैन हो। बाय।